नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल चैनल नंबर दस और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में जिसमें हम बात करेंगे साइंस के टेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और आज हम आप सभी बच्चों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उसका शीर्षक है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड और अगर हम इंसानी आंखों की बात करें वो उतने ही कॉम्प्लेक्स हैं जितनी वो खूबसूरत है और जितनी इम्पोर्टेंट ऑर्गन वो हम हमारे हम सभी के लिए हैं जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं और अगर हम इस दुनिया की बात करें तो दुनिया बहुत सुंदर है बहुत खूबसूरत है बहुत रंगीन है इस रंगीन दुनिया को आप देखते हैं अपनी आँखों से तो आँखों की महत्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन आँखों का क्या स्ट्रक्चर होता है क्या क्या फंक्शंस होते हैं क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं अगर हम इसकी टेक्निकलिटीज़ में जाएं तो आपको बताएंगे वो हमारी एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ चुकी है तो चलिए बिना किसी देरी के आप सभी का उनसे परिचय करवाते हैं आप है मिस मधु गौर मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मैं सभी का, सभी दर्शकों का, सभी बच्चों का 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 दर्शकों बच्चों बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज मैं उम्मीद करती हूं कि आज हम अपनी उन आंखों की जो हमारी सा, हमें सारी दुनिया की सैर कराते हैं इस रंगीन और इस कलरफुल दुनिया की सैर कराते हैं आज हम उन्हीं आंखों की सैर करेंगे जी तो उन आँखों के बारे में आज हम जानने वाले हैं आज के इस चैप्टर में लेकिन माम के बारे में हम आपको बता दें कि मधु माम पीजीटी फिजिक्स हैं डीएवी स्कूल नरेला से और आपके मन में, में कोई भी प्रश्न आ रहा हो बच्चों आप कुछ क्वेरी हो आपके मन में, में या ज़्यादा जानना चाहते हैं ह्यूमन आई के बारे में तो आप अपनी सभी क्वेरीज हम तक पहुँचा सकते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है डबल ईदर यू कैन ड्रॉप अ मेल आज वेल विद ऑल योर क्वेरीज एंड फीडबैक हमारा ई मेल एड्रेस है डी टी एस डॉट क्लास टेंथ एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन और आप अपनी सभी बातें हम तक ज़रूर पहुँचाएँ हमें इंतज़ार है आपके सभी प्रश्नों का और आपकी शंकाओं का तो आप ज़रूर हम तक पहुंचाएं अपनी बातें और जब तक आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचाते हैं तो हम अपने एक्सपर्ट के पास जाएंगे जैसे माम ने कहा कि आज हम सैर करने वाले हैं अपनी आँखों का जो हमें दुनिया की सैर कराती हैं तो मैम ये तो बात हुई आँखों की लेकिन आज आप स्पेसिफिकली हमारे बच्चों के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं स्पेशल आज हम आंखों के बारे में जो इनकी संरचना है जो उनके आंखों के वेरियस पार्ट्स है जो हमारी आंखों आप अगर आंखों के अंदर जाएं दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और आप सबसे पहले ये आप रियलाइज कीजिए कि हमारी आंखों का महत्व क्या है रेनू मैं आपसे गुजारिश करूंगी आप एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए जी मैम और अपना हाथ दीजिए मुझे और जरा टच करो कि ये वस्तु क्या है मैम ये बहुत सॉफ्ट से पेटल्स लग रहे हैं मुझे लगता है फ्लावर है फ्लावर है जस्ट मी द कलर ऑफ दिस फ्लावर ओ आई यू दैट सो सी कि आपकी आंखें आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है कि अगर आप किसी चीज को टच कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं लेकिन अगर उसका आपको रंग देखना हो तो आपको अपनी आंखों के अलावा आप उसको नहीं देख सकते हैं आपकी आंखें आपको सहयोग देती हैं कि आप इस रंगीन वर्ल्ड की आप सैर कर सकें और सभी रंगों को आप देख सकें तो रेनू आज मैं चाहूंगी कि सबसे पहले हम बच्चों को बताएं कि हमारी आंखों की संरचना क्या है और इसके इनके अंदर जो बहुत सारे अंग हैं वो अंग क्या हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं कार, क्या क्या फंक्शन और मैम हमें लगता है कि आंखों की जब हम बात करते हैं अगर साधारण तौर पर बात करें तो लगता है कि इसके अंदर और क्या क्या अंग हो सकते हैं हाँ, हाँ, क्या क्या कार्य हो सकते हैं लेकिन इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग ऑब्वियसली तो रेनु हम शुरू करते हैं ये हुँ। सबसे पहले ये हमारी आंख की संरचना आप पिक्चर में देख रहे हैं जो सामने डायग्राम है और जो सबसे पहले हमारी आंखों की शेप कैसी है ये आई बॉल आप सबसे पहले देखिए ये बिल्कुल एक स्पेरिकल कलर का आपका हमारा आई बॉल है यू कैन सी दिस आई बॉल है द आई बॉल इज स्पेरिकल इन शेप और इसका जो डायमीटर है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है नेक्स्ट अगर आप देखें ये आप मेरी आंखों की तरफ देखें ये हमारी आंखों में जो सफेद सफेद पार्ट होता है जो कवरिंग होती है एंड दिस इज कॉल्ड स्केलेरा और ये हमारी एक पूरी आंख को जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर hmm. प्रदान करते जिससे hmm. हमारी आंखें सुरक्षित रहती हैं आफ्टर दैट यू कैन सी द कॉर्निया हम अपनी आंखों को अगर जब हम बंद करते हैं तो ये देखिए आप मेरी आंखों में आपने अपनी आंखों में भी एक बल्जिंग आप एक महसूस करते हुँ, हैं हुँ. ये जो बल्जिंग पोर्शन जो है ये हमारा कोर्निया है आंखों का और ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है okay. जो कि मैक्सिमम जो लाइट होती है वो कॉर्निया से हमारी आंखों में एंटर करती है हुँ. और जैसे कि हम कहते हैं कि आपने प्रकाश का जो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन भी पढ़ा होगा बच्चों ने पढ़ा है तो ज्यादातर जो लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है वो कॉर्निया के थ्रू एंटर करती है और यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है ठीक है उसके बाद जो हमारी आंखें एंटर जो लाइट हमारी एंटर करती है वो इक्वेशियस ह्यूमर में आती है जो कि एक स्पेस है जहाँ पर हमारी कोर्निया और ये आप देखिए जो आ, आ, इरीज है hmm. हमारे आंखों की इसके बीच में एक स्पेस है यहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ होता है एंड दैट इज कॉल्ड इक्वेषियस ह्यूमर और ये ज्यादातर वॉटरी ही होता है नाइन्टी परसेंट इट इज वॉटरी तो ये भी हेल्प करता है कि जो लाइट कॉर्निया सेंटर है आंख में उसका रिफ्रैक्शन होगा अब आप आगे देख रही हैं एक स्ट्रक्चर आप रेडिश कलर में आपको लाइंस नजर आ रही हैं दीज hmm. आर दी आईरीज और आयरीज एक खूबसूरत पार्ट है हमारी आंखों का क्योंकि अगर आप आपने सुना होगा ज्यादातर हम लोगों को एक पहचान भी बनाते हैं अरे उस इंसान की ब्लू कलर की आईज है hmm. ब्राउन कलर आईज है मैंने देखा था की हमारे जो बिल्कुल हमारे सामने ग्रोसरी की एक शॉप है तो शॉप ने जैसे वो लोग पहचान बना लेते हैं तो क्या उन्होंने लिखा हुआ था नीले आंखों वाला अच्छा का ये क्या लिखा हुआ है वो कहते हैं पहचान बनाई हुई है तो जो हमारी आंखों की पहचान होती है कलर की पहचान होती है वो कलर हमें आईडीज देती है okay. और टेक्निकली okay. हमारा हमारी आंखों में क्या इनका फंक्शन है दे कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल प्यूपिल क्या है हमारी आंखों में बिल्कुल सेंटर में अगर आप देखें आयरीज ये आप देखिए मेरी आयरीज का कलर कैसा है रेनू इट्स ब्राउन ब्राउन बिल्कुल आयरीज के सेंटर में आप देखो कुछ ब्लैक स्पॉट आपको नजर हाँ, आ रहा हाँ, है हाँ जी ये प्यूपिल है ओके okay. ये hmm. कोई कलर्ड फिल्म नहीं है बल्कि hmm. एक होल है ओके okay. जैसे ही कोर्निया से लाइट एंटर की है hmm. उसके बाद एक्वेशियस ह्यूमर से गई है फिर आईरीज़ को क्रॉस करते हुए लाइट प्यूपिल में एंटर करती है तो प्यूपिल एक तरह से हमारी आईज में वो डोर है जो फाइनली हमारी जो लाइट है वो लेंस पर आई लेंस पर जाएगी और प्यूपिल का एक और रोल है हमारा कि प्यूपिल जो है अगर हम डिम लाइट से ब्राइट लाइट में जाते हैं तो प्यूपिल अपने का साइज कम हो जाता है एंड दैट साइज इज कंट्रोल बाई और जैसे ही हम ब्राइट से डिम में जाते हैं तो हमारे प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है तो आयरिस और प्यूपिल का एक खूबसूरत कोऑर्डिनेशन होता है जो हमारी आंखों में जितनी हुँ. हमें लाइट की आवश्यकता होती है उसका एंट्री और उसके अमाउंट को कंट्रोल करते हैं हुँ. अब हम आगे बढ़ते हैं हुँ. अगले पार्ट प्यूपिल का जैसा कि मैंने जिक्र किया है hmm. ये आप देख रहे हैं ये रेडिश कलर में जो आगे की तरफ जो मसल्स आई हुई हैं ये डायग्राम में आईरीज को दिखाया गया है और इसके बीच में जो स्पेस दिखाया गया है दैट इज कॉल्ड प्यूपिल तो hmm. इसका मैं आपको बता ही चुकी हूं रोल क्या है द प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई आफ्टर दैट वी विल कम टू आईलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी आंखों का जो कि बिल्कुल प्यूपिल के पीछे होता है बिहाइंड द प्यूपिल और आप शेप में आप इसको देख रहे हैं इसकी शेप कॉन्वेक्स लेंस जैसी है ठीक hmm. है ज्यादातर जो इसका बिहेवियर होता है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है और ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है ठीक hmm. है और ये जो हमारा लेंस है ये बिल्कुल प्यूपिल के पीछे सस्पेंडेड है विद दी हेल्प ऑफ सिलियरी मसल जिनका की फंक्शन में आगे बताना बताने जा रही हूँ hmm. और लेंस हमारा ये बहुत ही यू नो ऑटोमेटिक सेंस का है ये अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है अगर इसको दूर की वस्तुओं को फोकस करना है तो ये हो जाएगा, अपनी फोकल लेंथ बढ़ा लेगा अगर इसको पास की वस्तुओं को एडजस्ट करना है तो ये थिक हो जाएगा अपनी फोकल लेंथ को कम, कम कर, कर लेगा, लेगा। तो इट इज फ्लेक्सीबल एंड इट इज मेड अप ऑफ जेली लाइक सबस्टांस ओके नाउ वी विल कम टू सिलेरी मसल जैसा कि मैंने कहा कि ये आप देखिए लेंस के टॉप पर देखिए और आइलैंड्स के बॉटम पर देखिए लिगामेंट्स की हेल्प से सिलेरी मसल्स के थ्रू आइलैंड सस्पेंडेड हैं सिलेरी मसल्स ही वो मसल्स हैं जो हमारे आइलैंड्स की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करती हैं सिलेरी मसल्स जब एक्सपैंड करती हैं पीछे की तरफ आई बॉल के पीछे की तरफ तो हमारा आइलैंड स्ट्रेच हो जाता है एंड इट बिकम्स थिनर जिससे कि आइलैंड्स की फोकल लेंथ इंक्रीज़ कर जाती हैं और जब सेलरीज मसल्स एक्सपेंड ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं यानी कि लेंस की तरफ आ जाती हैं आईबॉल से सिकुड़ कर लेंस की तरफ आ जाती हैं तो लेंस पर प्रेशर बढ़ता है जिससे कि आई लेंस थिक हो जाता है और फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाती है तो आइलेंस की जो हम कहते हैं कि हमारा आइलेंस दूर के वस्तुओं को और नजदीक की वस्तुओं को फोकस कर पाता है अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करके लेकिन ये उसकी हेल्प कौन करता है सिलेरी मसल्स राइट नाउ नेक्स्ट पार्ट दैट इज द ह्यूमर देखिए हमारी जो आईज है उनकी एक शेप बनी हुई है जैसा कि मैंने कहा स्वेरिकल शेप है हुँ. लेकिन इस शेप को क्योंकि पूरा आई का स्ट्रक्चर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है इलास्टिसिटी है इसमें तो हमारी आई बॉल की शेप को मेंटेन कैसे किया जाता है एक हुँ. एक इंटरनल एक इंटरनल एक्सेस प्रेशर की इसमें जरूरत है जो इसकी शेप को मेंटेन करता है आई बॉल की हुँ. और वो उसमें हेल्प करता है विट्रस ह्यूमर okay. ये जो आप देख रहे हैं आईलेंस और ये पीछे आप पूरा कवरिंग देख रहे हैं इंटरनल कवरिंग और इसके बीच का ये बहुत बड़ा ये जो स्पेरिकल आप स्पेस uh, देख रहे हैं ये सारा स्पेस इस लिक्विड से भरा होता है और ये ट्रांसपेरेंट क्लियर फ्लूड होता है एंड इट इज नोन एज विट्रस ह्यूमर इसका बेसिक काम यही है कि इट हेल्प्स द आई टू होल्ड इट्स शेप ओके नेक्स्ट अगेन द ब्यूटिफुल पार्ट पता हमारी आंख बिल्कुल एक कैमरा की तरह काम करती है हम्म दूर की वस्तु से रोशनी को ले लिया गया उसको रिफ्रैक्ट कर दिया गया आई लेंस से रिफ्रैक्ट किया लेकिन अब उसकी इमेज बननी बाकी है हम्म तो हमारी आंखों में भी एक पर्दा होता है एक स्क्रीन लाइक -like स्ट्रक्चर होता है वो मस्कुलर मेंब्रेन होती है और ये आप देखिए ये जो आपका आ, आ, आइलेंस में जो हम ये जो हमारी आई में जो इनर आप कवरिंग देख रहे हैं बिल्कुल ये येलोइश कलर में जो मैंने दिखाया हुआ यहाँ पर ये एक थिन मेम्ब्रेन है जो कि बहुत सारी मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स की बनी हुई है ओके राइट एंड दीज नर्व सेल्स मेनली आर ऑफ टू टाइप्स रॉड्स एंड कॉन्स दीज रॉड्स एंड कॉन सेल्स दे आर सेंसिटिव टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट एंड कलर ऑफ दब्जेक्ट आप देख रहे हैं कि हम सामने रखी हुई वस्तुओं का उनकी उनको हम अच्छे से देख पा रहे हैं अच्छे से अगर हम देख पा रहे हैं इसका मतलब उनसे आने वाली लाइट की इंटेंसिटी आप सेंस कर पा रहे हैं आप उस ब्राइटनेस को सेंस कर पा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको ये गुलाब दिया था और ये लाल रंग का है तो ये कलर अब आप सेंस कर पा रहे हैं या क्योंकि आपकी आईज के रेटिना में वो कौन सेल्स से है जो इन कलर को सेंस कर रही हैं राइट तो रेटिना हमारी आंखों का क्या है स्क्रीन स्क्रीन, स्क्रीन। जहां पर आई लेंस के थ्रू जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी स्क्रीन पर बनेगी राइट अब ये देखिए रेटिना पर हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज बन चुकी है Hmm. लेकिन जो कंट्रोल हमारा ऑफिस है हमारी बॉडी का hmm. वो कौन है ब्रेन ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए कि ये इमेज बनी है hmm. तो जो हमारा रेटिना होता है उसमें जो रोड सेल्स और जो कौन सेल्स होती हैं वो इस इमेज को किसमें कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में ओके okay. और दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दे आर कैरीड टू ब्रेन By बाई द ऑप्टिक नर्व बंडल ऑफ नर्व एंड इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व आप यहां hmm. ये देख रहे हैं ऑप्टिक ko right. को आप यहां hmm. पर ये रेटिना के यहाँ आप देख रहे हैं ब्लाइंड स्पॉट है यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनेगी जहाँ ऑप्टिक hmm. नर्व रेटिना को टच कर रही है ये पोर्शन ब्लाइंड स्पॉट होता है हमारे रेटिना पर hmm. यहाँ इमेज आपको नहीं मिलेगी राइट right? हुँ. और बाकी जो भी इसका आपका जो भी इंफॉर्मेशन है इमेज की दैट इज कैरीड बाय द ऑप्टिक नर्व टू ब्रेन तो ये हुआ हमारा आईज का हुँ. जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है और आंखों के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। जी हम आंखों की खूबसूरती में बहुत बातें करते हैं लेकिन जैसा कि रेनू आपने हुँ, कहा हुँ, कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी हैं इनको समझना बहुत जरूरी है ताकि हम इनकी देखभाल कर सकें और ये आँखें हमें इस खूबसूरत वर्ड को दिखा दिखा सके, सके। हाँ जी तो माम ये तो कॉम्प्लेक्स है और ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको और ज्यादा खूबसूरत बनाती है यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे हमने आपसे जाना कि कौन कौन से क्या स्ट्रक्चर है क्या उसके पार्ट्स हैं किस तरह से वो फंक्शन करता है आपने बहुत ही डिटेल में हमारे सभी व्यूवर्स को बताया हम क्वाइट श्योर उन्हें समझ में आया होगा यहाँ पर हम बात करें अगर पावर ऑफ अकोमोडेशन की ह्यूमन हाँ। आई की तो वो क्या है ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे मैम देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी आँखों के अंदर आई लेंस है और इस वक्त अगर आप देखें तो आप अपने पास में रखे हुए इस कप को भी देख पा रहे हैं और दूर एक विंडो को भी देख पा रहे हैं तो ये इतने डिस्टेंस में आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं ये आपकी आंखें उनको देख रही हैं और उनकी इमेज जो है रेटिना पर बना रही है तो ये खूबसूरती हमारे आइलेंस की फ्लेक्सीबिलिटी की है कि हमारा आईलैंड इतना फ्लेक्सीबल है कि वो पास की वस्तुओं को और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में कैपेबल है तो जो हमारे आइलैंड्स की एबिलिटी है द एबिलिटी ऑफ अर आइलैंड्स टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन और यहाँ मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगी बच्चों को बताना चाहूंगी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन से दो चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हर आइलैंड्स के लिए एक नियर पॉइंट होता है और एक फार पॉइंट होता है hmm. अगर मेरी एक नॉर्मल आई है hmm. तो मेरी आंखें मेरा आईलैंड्स अपने नजदीक से नजदीक 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियरली और डिस्टिंक्टली देख सकता है हुँ. तो ये 25 सेंटीमीटर एक नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट कहा जाएगा ओके okay. और कितना दूर से दूर का ऑब्जेक्ट मेरा नॉर्मल आई देख सकती है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ऑफ माई आई फॉर नॉर्मल आई इट इज इंफिनिटी ओके तो हुँ. अगर हमारी आंखों में कोई डिफेक्ट आ जाता है हुँ. तो हम उसको आइडेंटिफाई ही नियर पॉइंट की लोकेशन और फार पॉइंट की लोकेशन से करते हैं अच्छा हाँ जी तो अगर हम आई डिफेक्ट्स की भी आगे बात करें तो आई डिफेक्ट्स में भी यही चीजें हम डिस्कस करते हैं हम चेक करते हैं कि आई का फार पॉइंट वहीं पर है इन्फिनिटी पर है या नियर पॉइंट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पर है या इनकी लोकेशन में कोई फर्क आ गया है ओके okay. तो मैम आपने डिफेक्ट्स की बात की यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं और अगर विजन में डिफेक्ट आया है तो किस तरह से उसे करेक्ट किया जा सकता है ये भी हम आपसे जानना हाँ, जानक बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जो जो कॉमनली विजन के डिफेक्ट्स हैं वो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया और प्लस बायोपिया है जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी मायोपिया मायोपिया को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं शॉर्ट साइटेडनेस एंड नियर साइटेडनेस जैसा कि टर्म ही एक्सप्लेन कर रही है कि पास का हमें नजर आ रहा है तो ऑब्वियसली हमें दूर का नजर आने में परेशानी आ रही है अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज पॉइंट नियर देन इंफिनिटी मतलब अगर मैं दूर की एक वस्तु को देख पा रही हूँ नॉर्मल आई है मेरी तो मेरा फार पॉइंट इन्फिनिटी है हाँ। लेकिन आज मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं उस वस्तु को नहीं देख पा रही तो यानी कि मेरा फार पॉइंट अब इन्फिनिटी नहीं रहा इन्फिनी से कम हो कम है। हो गया जी ठीक है और अगर मैं ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु को इजीली देख पा रही हूँ क्लियरली देख पा रही हूँ डिस्टिंक्टली देख पा रही हूँ इसका मतलब मेरा नियर पॉइंट क्लियर, है, क्लियर है। तो आई कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बट कैन नॉट सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो हम इसकी वजह भी इस पर हम हुँ. बात करेंगे कि या तो हमारी आई बॉल का साइज जो है वो थोड़ा इलंगेट हो जाता है हुँ. या हमारे आई जो आई लेंस है उसका एक्सेसिव करवेचर यानी जब पास रखी हुई वस्तुओं को फोकस करने के लिए वो थिक तो है लेकिन दूर रखी हुई वस्तु को फोकस करने के लिए थिन नहीं हो पा रहा है सिलरी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी में कुछ कमी कुछ आ, आ, गई आ है कुछ प्रॉब्लम आ गई है करेक्ट कैसे करेंगे अब देखिए जब लेंसेज के कॉम्बिनेशन को आप यूज करते हैं तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बदल जाती है तो हम अपने कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को बदल सकते हैं उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग यहां से तो अगर लाइट आ रही है तो कॉन्वेक्स लेंस इजिली इसकी इमेज रेटिना पर बना रहा है hmm. लेकिन अगर मैं बात करूं जो नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट है डॉटेड hmm. रेस hmm. को लिया है ये सभी रेज जब आप लेंस पर आकर फॉल करती हैं तो दे आर कन्वर्जिंग एट ए पॉइंट बिफोर रेटिना hmm. तो यहां इमेज बन रही है यहां पर आपके सेंसरी नर्व्स है ही नहीं hmm. सिग्नल्स नहीं बनेंगे और ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं, नहीं जाएगी हाँ. तो पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट राइट right. मुझे क्या करना है हमें क्या करना है इस इमेज को कहां पर बनाना है रेटिना पर सो वी हैव यूज्ड हियर कॉन्केब लेंस ऑफ सुटेबल लेंथ

50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तो आप हुँ. देखेंगे आपने कई बार देखा है कि जब हाँ कुछ लोग दूर बुक को करके ऐसे बातें right. पढ़ते हैं ऐसा हाँ. तो यानी कि उनका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर अब नहीं है इट ओके इट ये आगे बढ़ गया है हुँ. तो यानी हमारा जो आइलेंस है उसकी फोकल लेंथ या तो बहुत ज्यादा हो गई है हुँ. और हमारे आईबॉल जो है वो छोटा हो गया है वो स्मॉल हो गया है तो स्मॉल होने की वजह से जो दूर के ऑब्जेक्ट की जो जो पास के ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो रेटिना से पीछे, पीछे बने सो हाउ कैन बी करेक्ट दिस दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर क्योंकि कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स दो लेंसेज कॉन्वेक्स लेंसेज का जो कॉम्बिनेशन होता है उसकी जो फाइनल फोकल लेंथ होती है वो डिक्रीज होकर आती है आई लेंस से डिक्रीज होकर आएगी जिससे कि हम वापस इमेज को कहां बना लेंगे रेटिना पर द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस एट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर राइट ओके सो आई ग्लासेज विथ कन्वर्जिंग लेंसेज प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना तो फिर हम चलते हैं रेड्राम और डायग्राम्स के हेल्प से हम इसको समझेंगे ये देखिए ये हाइपर पॉइंट है यहाँ जो एन जो पॉइंट आप देख रहे हैं दिस पॉइंट इज लोकेटेड एट मोर देन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ओके सेकेंड डायग्राम में आप देखिए, ये डैश ये ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है अच्छा ठीक है हुँ. तो हाइपर मेट्रोपिकाई दूर के ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है और इसकी इमेज रेटिना पर बन रही है हुँ. लेकिन सेकेंड डायग्राम में आप देखिए एन डैश पर जो ऑब्जेक्ट रखा यानी कि 25 सेंटीमीटर पर जब ऑब्जेक्ट को रखा गया हुँ. तो हाइपर हाइपर आई इसको देख नहीं पा रही है हुँ. इसकी इमेज रेटिना पर नहीं बन पा रही है आप इसको डायग्राम में देखें तो रेटिना के परे बन रही है बिहाइंड द रेटिना हमें इसको कहा लाना है रेटिना पर हुँ. तो हियर वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स जिससे कि जो ऑब्जेक्ट आपके 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है उसकी भी इमेज हम कहा पर ऑप्टेन कर रहे हैं रेटिना पर एक थोड़ा सा टाइम लूंगी हुँ. एक थर्ड डिफेक्ट और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी दैट इज कॉल्ड प्लस बायोपिया ये ज्यादातर आप देखेंगे कि ओल्ड uh, एज में हो जाता है लोगों को और वो एक एजिंग का इफेक्ट है एज रिलेटेड एज रिलेटेड है hmm. आपको पता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र hmm. बढ़ती है हमारी स्किन की हमारी बोन्स की हमारी मसल्स hmm. की इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है hmm. ठीक है ना तो इसी तरीके से हमारी आंखों के अंदर जो सिलरी मसल्स हैं जो आई लेंस है उनकी इलास्टिसिटी भी डिक्रीज होगी हमारा लेंस रिचिड बन जाएगा हमारी सिलरी मसल्स उतनी इलास्टिक नहीं होंगी कि बहुत जल्दी वो एक्सपेंड करें या कॉन्ट्रैक्ट करें तो ऐसे लोगों में क्या होता है द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई यूज डिक्रीज ड्यू टू एज द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे एंड दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्लस बायोपिया कई बार ज्यादातर लोगों में ये देखा गया है कि एजिंग के साथ साथ उनको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हाइपर मेट्रोपिया दो आइड इफेक्ट आई में होते हैं कैसे करेक्ट करेंगे तो उनके ग्लासेस में दोनों करेक्शंस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है अच्छा यानी कॉन्केव लेंस भी और कॉन्वेक्स लेंस भी और ऐसे जब हमारा कॉम्बिनेशन हम होता है तो हम बोलते हैं बाईफोकल लेंस सो करेक्शन क्या होगी पावर और कॉन्वेक्स दोनों उसमें होते हैं बिल्कुल सो दैट जो जिसको भी ये ऐसा कोई डिफेक्ट आया है तो वो उसे यूज कर पाए तो मैम इसके अलावा और क्या है जो बातें आप हमारे सभी व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आई से जुड़ा हुआ उनके पार्ट्स या फंक्शन से जुड़ी हुई जो हमारे सभी बच्चों को की पॉइंट के तौर पर याद रखना चाहिए हाँ मैं आ, अपने बच्चों को अब जो एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जैसा कि मैं आजकल ऑब्जर्व कर रही हूँ क्योंकि जो आजकल हमारा डिजिटल वर्ल्ड ज्यादा हो गया आजकल हमारे बच्चे जो है वो ज्यादातर ऑनलाइन स्टडीज ज्यादा कर तो रहे हैं स्क्रीन बहुत स्क्रीन टाइम टाइम बहुत बहुत बढ़ बढ़ गया है और जब हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ता है रेनू तो आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी आईज की ब्लिंकिंग का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है राइट कभी आपने महसूस किया हो कि आप पंद्रह बीस मिनट आधा घंटा एक घंटे से आप स्क्रीन पर हैं और उसके बाद आपने स्क्रीन को ऑफ किया और फिर आप आसपास की चीज़ों को देखते हैं तो आप फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो आप अपनी आँखों की और अपने आईलेंस की रिजिडिटी को इंक्रीज कर रहे हैं आप अपने जो आंखें हैं आई लेंस को आप फ्लेक्सिबल उनको नहीं रहने दे रहे हैं आपकी आंखों का जो लेंस है वो जितना ज़्यादा फ्लैक्सीबल होगा आपका विजन उतना ही क्वालिटी वाला होगा Hmm. आप इमीडिएटली पास की वस्तुओं को आप फोकस करेंगे आप दूर की वस्तुओं को फोकस करेंगे लेकिन आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल है जो हमारी टेक्नोलॉजी है हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि बच्चे अपना स्क्रीन बिल्कुल यूज ना करें क्योंकि बहुत सारे हम खुद एजुकेशन आप स्क्रीन पर दे रहे हैं hmm. तो हम ये नहीं कहेंगे लेकिन हम उनके वे आउट्स हम निकालेंगे आप अपने एक्सरसाइज कीजिए आप आप अपनी आंखों में दिन में कम से कम एक या दो बार पाँच मिनट छः मिनट के लिए आप कुछ बिंदु इंगित कर लीजिए दस सेंटीमीटर पच्चीस सेंटीमीटर पर पचास सेंटीमीटर पर सौ सेंटीमीटर पर एक मीटर पर दो मीटर पर और फिर लगातार उनको फोकस करने की प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपकी आईलेंस की क्या बढ़ेगी फ्लैक्सिबिलिटी और हमारी आँखें ठीक रहेंगी और टाइम टाइम पर स्क्रीन टाइम पर हमें अपनी आँखों का जो मॉइस्चर है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा आंखें स्वस्थ पा, स्वच्छ पानी से आप वॉश जरूर कीजिए जी टाइम टू टाइम तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है कि हम अगर आज को देखें तो मैम आज के टाइम में हम स्क्रीन टाइम या स्क्रीन को हम अवॉइड नहीं कर सकते चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है आपको अपनी आँखों की केयर करना और जैसे मैम ने बताया कि आपको कुछ सर्टेन डिस्टेंस आपको मैंटेन करने हैं वहाँ पर आपको गौर से देखना है ताकि आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग ही रहें स्ट्रांग और उनमें फ्लेक्सीबिलिटी उनमें इलास्टिसिटी मेंटेन रहे तो आपको ये इलास्टिसिटी मेंटेन रखना है और अभी मैम हमें इस से यहाँ पे वाइंड अप करना होगा बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम तो मधु मैम हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच मैम कि आप स्टूडियो आए और आपने इतने अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर ना केवल हमारे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को आई एम क्वाइट श्योर कि जितने भी व्यवर्स हमारे साथ जुड़े उन सभी तक आपने इतने अच्छे से पहुंचाया उन सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा बहुत ही सरल और सहज तरीके से और यहाँ पर हम अपने सभी देखने वालों को ये कहेंगे कि अभी हम इस सत्र को यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं लेकिन आप बने रहें ई विद्या चैनल्स पर और कुछ ही पलों में हम अपने एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ हाज़िर होंगे जो कि संस्कृत के दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए और आज का हमारा शीर्षक है विचित्र साक्षी और इस सत्र में भी आप अपना उपस्थिति आप दर्ज कराएं अभी फ़िलहाल मुझे रेणु भट्ट को दें इजाज़त नमस्कार